नमस्ते गेम शो एंड वेलकम टू आवर चैनल मुझे कहते हैं मीन और मेरा नाम है माही। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में हम देखने वाले ट्रेलर। आज हम लोग एक ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं जो कि आज ही है, जिसका नाम है OM आई थिंक द बैटल समथिंग लाइक दैट। हां द बैटल विदिन। इसमें है जी आदित्य रॉय कपूर, संजना एस पता नहीं क्या है ये, और जैकी शो। तो देखते हैं। अच्छा मुझे इसकी कास्ट सुनकर ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कास्ट लग रही है, बिकॉज जैकी को उन्होंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक वर्सेटाइल एक्टर है। तो मैंने काफ़ी दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी जिसमें आदित्य रॉय कपूर हो और जैकी श्रॉफ हो, काफ़ी टाइम हो गया। तो आई होप सो कि ये वाली कुछ अच्छी हो, लेट्स बैटल वाली होगी तो लेट्स सी। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ये मूवी फाइटिंग होने वाली है, मुझे बहुत दिल की लग रही है, तो वैसी थी। बट एक और इसकी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर ना बहुत सारे इमोशंस भी हैं जो कि थ्रू आउट फिल्म चल रहे हैं। जैसे कि उनको जो टाइगर श्रॉफ कह रहे हो, वो जो जैकी श्रॉफ हैं वो उनके फादर हैं और उनको पता ही नहीं है। फिर बहुत एंड में उनको जाके पता चलता है कि हाँ ये मेरे फादर हैं। फिर वो उनको ढूंढते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, उनको किडनैपिंग हो जाती है उनकी। तो ये काफ़ी इमोशनल भी लग रही है, उनके उनके फादर का जो बॉन्ड है वो काफ़ी इमोशनल भी लग रहा है। और वो जो एक्ट्रेस हैं वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो ड्रामे में आती थी किसी स्टार प्लस के, आई थिंक कलर्स के। हाँ, वो ड्रामा एक्ट्रेस हैं। कौन सा ड्रामा था वो? काफ़ी फेमस ड्रामा था, काफ़ी पुराना ड्रामा था जिसके अंदर वो आती थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैंने उनको देखा है ड्रामा में। आई थिंक मुझे बच्चा अगर मैं मेन कसौटी जिंदगी कसौटी में नहीं थी, वो जो अदालत में आते हैं ना हीरो, उनकी बीवी बनती थी वो, है ना।
मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी इस मूवी की कि अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ आदित्य रॉय कपूर की, तो उनका जो करियर है एक्टिंग के हवाले से या मूवीज़ के हवाले से, वो इतना ज़्यादा अभी तक वैसा नहीं है कि जैसा वो डिजर्व करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, उस तरह का नहीं है जैसा कि वो डिजर्व करते हैं। मतलब उनको उतनी मूवीज नहीं मिलती या वो उस तरह प्रूफ नहीं कर पाते, तो आई थिंक दिस मूवी लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनका उनकी ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, बॉक्स ऑफिस पे चल जाती है, तो ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। नॉर्मली उनको ऐसी मूवीज मिलती हैं जिसमें या तो वो मेन एक्टर के साथ उनके कोई भाई का रोल कर रहे होते हैं, या फिर कोई कजिन का रोल कर रहे होते हैं, या फिर कोई अगर मेन रोल भी होता है तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, रोमांटिक एक्टर है या मूवी उतनी हिट नहीं होती। बट इसमें ज़्यादातर फोकस जो है, ज़्यादातर फोकस जो है वो इन्हीं के ऊपर किया जा रहा है और यही हीरो हैं, यही मेन। हाँ, और उनकी एक्टिंग के काफ़ी ज़्यादा एक्शन के काफ़ी ज़्यादा सीन्स हैं, तो दिस मूवी लाइक कि इनके लिए बहुत अच्छी प्रूव हो सकती है अगर ये मूवी हिट हो गई तो। यस, तो यार लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट। बट ओवरऑल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात जो नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक इस तरह का। हाँ, और मैं भी अच्छा लगा उससे कहीं। और सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छी चीज लगी, सो क्या कहना चाहेंगे आपके इस मूवी को, जाना चाहिए, देखना चाहिए? मतलब ये मूवी हमारी तरफ से एक अच्छी मूवी है। ऑल्दो हम फाइटिंग मूवीज को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल से ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ, फाइटिंग मूवीज हम इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमें फनी और सस्पेंस टाइप मूवीज पसंद है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई एम सुपर 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 एक्साइटेड कि क्या होने वाला है मूवी में। अच्छा सर, तो देखिए मूवी के ट्रेलर से काफ़ी हद तक मूवी के प्लॉट का आइडिया हो गया है कि इसका प्लॉट क्या रहने वाला है, इसमें क्या कुछ होने वाला है। एंड दिस इज नॉट अबाउट, मुझे एक चीज़ ये लगी कि मूवी के अंदर ये जो ट्रेलर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरी रिवील कर दी गई है। मुझे थोड़ा सा ये थोड़ी सी चीज मुझे वो लगी कि इसके अंदर ना कुछ ज्यादा ही, मतलब उनके फादर वो भी हो गए, वो ओम है, वो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्टोरी इसके अंदर रिवील कर दी गई है, जो मुझे लगता था शायद उनको थोड़ी कम अगर रखते तो कुछ सस्पेंस क्रिएट होता तो लोग भी देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते। जैसे कुछ पाकिस्तानी ओएसटीज होते हैं जिसमें काफी हद तक जो है पूरी स्टोरी समझ में बता दी जाती है, तो फिर पाकिस्तानी ड्रामा अच्छी भी कुछ कुछ होता है, मगर अक्सर में गलती गेस किया जाता है और गलती का अलग ही निकलता है। और ओएसटी में जो होता है वो रियल में ड्रामे में होते ही ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ लेकिन मूवीज में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मूवी में मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेलर में ना कम बताया जाता, ज्यादा बता दिया। खैर कोई बात नहीं, जैसे यहाँ की मूवीज में भी, इंडिया की मूवीज में भी ऐसा होता है कि अगर ट्रेलर में कोई लव सीन दिखा रहा है, रोमांटिक सीन दिखा रहा है, तो मूवी में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। बट ये तो फाइटिंग सीन है, इसमें मुझे लगता है वही स्टोरी प्रेडिक्टेबल, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल कर दी गई। बट खैर बट इंटरेस्टिंग, अभी भी इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ये हैं कि ये देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि किस तरह से वो लड़ रहे हैं, किस तरह से वो क्या करेंगे, उनकी जो क्योंकि उनकी याददाश्त भी आई थिंक शुरू हुई हुई है, एंड पिछले जन्म का कोई सीन पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अब आई वही गेस कर रही हूँ। रीकार्नेशन टाइप कुछ उनका है। हाँ, अब आई डोंट नो कि वो किस तरह से फर्दर जो है वो स्टोरी आगे। सो दैट्स इट, आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई है, तो हम लोग ज़रा उसमें नहीं है अपनी फॉर्म में, सो अगर कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।